क्या देख लिया आपने मेरा बाहर, जैसे बोलो कि बाहर कुछ है तेरा तो बता, क्या देखा आपने मेरा? देख एक तो तेरा नाटक ये, तो रात को इतना इतना लेट सोएगी, बोलता हूँ जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठाएगा, घर में पूजा पाठ करने का अपना, ये पेपर ये रखे इस पे साइन कर दे और तो तेरे रास्ते जा, मैं अपने रास्ते रहूंगा। अरे अरे सही में मेरा पेपर 2000 रुपए के बना के लाया था मैं वो। तो हे गाइस, वैसे कैसे आप सब, आई होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में मेरी वाइफ के साथ मतलब आना मेरे साथ में करने वाला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला प्रैंक। तो आज का प्रैंक रहेगा डाइवर्स प्रैंक। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ मेरी वाइफ के साथ में डाइवर्स प्रैंक। तो गाइस मुझे तो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा डर कि भाई वो ये पेपर देख के क्या रिएक्शन देगी, क्या करेगी क्या नहीं। और गाइस ये प्रैंक मेरी खुशी से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मेरे हर प्रैंक पर एक ही कमेंट किया है भाई डाइवर्स प्रैंक करो डाइवर्स प्रैंक करो, तो इसलिए मैं आज लेके आ गया आप लोगों के लिए डाइवर्स प्रैंक। तो गाइस इसलिए आज मैं करने आ रहा हूँ डाइवर्स प्रैंक। अभी मैं इससे इस डाइवर्स प्रैंक कैसे गाइस आप लोगों को पता है, मैं उससे 2-3 दिन झगड़ा भी कर रहा हूँ कि वो झगड़ा करे, फिर लास्ट में मैं उसको परेशान होकर बोलूँ भाई मैं इतने से परेशान होकर झगड़ा करते करते अब मिले तेरे को पेपर लाया उस पर साइन कर और तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। तो गाइस इसलिए फटाफट चलो पढ़ता हूँ मैं फटाफट कैमरे को सेट, अभी अंदर आने का काम कर रही बाथरूम में, और अभी मम्मी पापा भी नहीं घर पे, कुछ काम से बाहर गए तो मेरे को और अच्छा मौका मिल गया, नहीं तो फिर मेरे को डांटते थे चिल्लाते थे भाई तू इतना बड़ा डिसीजन किससे पूछ के क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो चलो गाइस फटाफट अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और आ गाइस आप लोगों को वीडियो को बाद में भूल जाओ लाइक कमेंट करना, इसके लिए अभी वीडियो को फटाफट लाइक कर डालो और चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, और चलो फटाफट चल के अभी करते हैं कैमरे को सेट, करते हैं प्रैंक को स्टार्ट, चलो बाय। तो गाइस मैंने यहाँ पे अभी अपना कैमरा सेट कर दिया है ऐसी जगह करा जो हमें को दिखेगी नहीं, और फटाफट चलो यहाँ पे बैठते और करते अपने प्रैंक को स्टार्ट, और अभी बात होगी चलो उससे पहले पहले फटाफट बैठते आएगी तो करते फिर अपने प्रैंक को स्टार्ट। और गाइस वीडियो को अभी से लाइक कर देना क्योंकि आगे जाके आप लोग भूल जाओ, वीडियो को लाइक कमेंट करना, अभी लाइक कर दो वीडियो को और करते चलो गाइस एंड तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है प्रैंक के अंदर। चलो गाइस होते रेडी। A few moments later. अनामी का पानी ले क्या? ले लो, मैं कपड़े सुखा रही हूँ, अभी कपड़े धोके आई हूँ। तो मैं भी अभी बाहर से आया, सुबह से बाहर गया था, अभी आया हूँ घर पे, पानी देना। मैं भी सोके उठी हूँ ना बाहर से, तो खुद उल्टा पानी ला के देनी चाहिए भाई, बाहर से इंसान पानी पियो लो। हाँ तो पियो ना, हमको बोल के पानी मांगने पड़ता है। ये क्या है पानी हो क्या है? ये सादा पानी पीता हूँ मैं और ग्लास में पीता हूँ मैं, पहली बार पानी दे रही मेरे को लाके। बोतल नहीं है फ्रिज में, अभी पानी भरा है मैंने, कपड़े धोए फिर पानी भरा है। पानी भरा और बोतल नहीं है? अरे तो मतलब ठंडा पानी नहीं है फ्रिज में, तो साथ बोतल लाके देना, ग्लास में क्यों लाके दे रही है? पहली बार पानी पी रहा हूं, पता है ग्लास से मेरी प्यास नहीं बुझती, बोतल से पानी पीता हूं मैं। तो खुद भी उठ के ले सकते हो, खुद के वो करने के लिए लग गया, वो करने के लिए लग गया, पता नहीं क्या चल रहा है, 2-3 दिन से समझ में नहीं आ रहा है घर में क्या चल रहा है। हर चीज के लिए 2-3 दिन से पता नहीं है, खाना ना टाइम पे ना पानी टाइम पे, इंसान बाहर से आ रहा था कुछ पानी पूछो पानी दो, और पता है जबकि पानी इंसान ठंडा पीता है तो ठंडा पानी लाके देने चाहिए, तो सादा पानी ग्लास में वो भी, और सादा चलो बॉटल में दे दी पानी नहीं ठंडा, बॉटल में पीऊ सादा, चलो ठीक है पानी भी ग्लास में लाके सादा पानी पियोगे इंसान, सादा बॉटल में देना, बॉटल में पीऊंगा ना तुम सादा पानी। पी लो। क्या पी लो? क्या पी लो? सादा ही पानी है ना, अभी नहीं है तो क्या करो? नहीं है तो ये भर के रखेंगे ना, पता है तो कि भाई ठंडा पानी पी तो एक बोतल भर के रखेंगे ना, एक टाइम पानी आता है रोज तो बोतल खत्म हो गई तो फिर मैं क्या करूं? क्यों एक दिन पहले भर के रखने का ना बोतल, तो एक दिन पहले बोतल स्टॉक में 2-4 रखने का ना, ज्यादा कि भाई इस तरह से ठंडा पानी पीता है, बोतलों का भंडा पता नहीं क्या है, 2-4 दिन समझ में नहीं आ रहा है, छोटी छोटी बात पे ना खाना टाइम पे ना पानी टाइम पे ना खाना कुछ पसंद का बन रहा है ना पानी जो हम ठंडा पानी ना ठंडा पानी मिल रहा है पीने को। कितना झूठ बोलते हो, रोज खाना आपकी पसंद का ही बन रहा है, जो आपसे पूछती हूँ वही पता है, बस ये 2 दिन से ही ऐसा। कल भी गोभी बनाई थी, गोभी में खाता हूँ मालूम है फूल गोभी में गैस हो जाती है, वो वाली गोभी बना दी, उसके पहले भी वो पता नहीं क्या बनाई थी लौकी की भाजी, मेरे को जो चीज मतलब नहीं पसंद है जानबूझ के नहीं, क्यों मन पसंद की चीज जो पसंद नहीं हो चीज भाजी रखी रहेगी वही बनाऊंगी ना, तो फ्रिज में भाजी रखी रहेगी तो फ्रिज में रखा रहेंगे ना, जब इंसान एक दिन चलो नहीं बन रही पसंद दूसरे दिन तो बनाओ ना, 4 दिन से पता नहीं क्या ना पसंद का खाना बन रहा
ना प्यार ना पसंद की पानी मिल रहा ना ढंग में टाइम पे ना खाना मिल रहा। पानी का तो अब हुआ है, वो पसंद का पानी भी नहीं मिल रहा आपको। ओह नो, ठंडा पानी नहीं मिल रहा ना, अच्छे ढंग से बात हो रही ना कुछ, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में तो नहीं क्या, झगड़ा फोकड़े झगड़े झगड़े करके बैठ रहे, पता नहीं क्या कुछ है मन में, कुछ है तो दिल में तो बता डालना अच्छे से। नहीं आपके दिल में कुछ बता दो, इतनी इतनी सी बात पे जब झगड़ा कर रहे हो, खाने पानी के आपको टाइम पे मिल रहा नहीं है, जो बोल रहे हो मैं वही बना के देती हूँ, आधी रात को भी जो बोलते हो मैं बना के देती हूँ आपको, पता है बहुत बना के देती है, जिसको अच्छे मिलते हैं ना उनको कदर नहीं रहती है, ये बात तो है। जब तो थोड़ी बात में बिना मतलब के बस झगड़ा करने लग जाते हो। अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं कपड़े धो रही थी तो इस वजह से मैंने आपको बोली कि पानी ले लो अभी। झगड़ा कौन कर रहा है पता दिख रहा है, जब नहीं कर, जब इंसान को जब खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, खाना पसंद का नहीं मिलेगा, पानी जैसे ठंडा पीते वो नहीं मिलेगा ना, कोई अच्छे से बातचीत होगी ना, घर में अच्छे से बातचीत होगी ना, ढंग से कोई बात करेगा तो इंसान तो फिर बोलेगा ही ना भाई कि झगड़ा करेगा ही। बात तो आप खुद ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूं आपसे, कौन कर रहा है तो खुद कर रही झगड़ा, तेरे मन में पता नहीं क्या चल रही क्या है, एक तो तेरा ये समझ में नहीं आता, एक तो ये देख, एक तो तेरा नाटक ये, रात को इतना लेट सो, रात को इतना लेट सोएगी, बोलता हूँ जल्दी सोया कर, सुबह जल्दी उठाएगा, घर में पूजा पाठ करने का अपना करती नहीं, मैं पूजा पाठ की मैं ऐसे बोल रही हूं, करती नहीं पूजा पाठ कुछ नहीं करते, तो जल्दी सोए, सुबह तो 11 12 बजे सो के उठती है, इतना झूठ बोल रहा है, झूठ मत बोला करो, समझे ना, 11 12 बजे सो के उठती है, फिर बाबू को स्कूल के लिए कौन तैयार करता है। अरे तो तू देखो, मैंने हजार बार कितनी बार बोली, तेरे वैसे लड़का भी पता कितना रात को लेट सोता है, तू जल्दी सोएगी तो वो भी जल्दी सोएगा, वो तो पैर को सोता था, नींद पूरी कर लेता तो फिर कहां से उसको नींद, रात को जल्दी सोया कर, हजार बार बोली जल्दी सोया कर, रात को नहीं नींद ही नहीं आ रही है, दो दो तीन तीन बज जाते रात को सोने को, सुबह लेट सो के उठने का पता नहीं, ये भी समझ समझे कि मैं खुद समझा कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ, देखो सब तेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं, कुछ है पता नहीं क्या है क्या नहीं, कुछ लगता ही नहीं कि भाई कोई इंसान इतना बोल रहा है, इतने इनसे पीछे पड़ रहा है, जानते अपनी आदत सुधर, आदत तेरी सुधरती ही नहीं है, आदत को मैं क्या कर रही हूँ, आदत ही तो खराबी तो आदत है, लेट सोना, लेट सो के उठना, और टाइम लेट सो के उठना नहीं, लेट सोती हूँ लेकिन उठती जल्दी हूँ, कुछ नहीं उठती, कुछ नहीं उठती है, बोलता ही नहीं था जल्दी उठती थी तो बस, थोड़ी थोड़ी बात पे कुछ आपके मन में तो आप बता दो, समझे ना, थोड़ी थोड़ी बात पे बिना मतलब में झगड़े मत करो, कुछ बात है तो तू बता, बोला हाँ मैं इसके लिए तेरे से बात नहीं कर, हाँ भाई कुछ जैसे कुछ बात कुछ, अगर कुछ तेरा मन में है, कुछ तेरा दिल में कुछ चल रहा है, कुछ मन में कुछ चल रहा है तो बता डाल भाई, मेरे को आपके जम रहा नहीं है, मेरा कुछ बाहर है या कुछ भी मेरा चल रहा है, इसके लिए आपको क्या बाहर है मतलब, आपको कुछ शर्म वरम आ रही है बोलने में कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझे ना, 5 साल हो गए रिलेशन को, 5 साल, ये छोटी छोटी बात पे जो आप अब कर रहे हो ना, ये पहले नहीं करते थे, अरे तो पहले तो करती नहीं थी सब काम, तुम्हें करती नहीं थी बात पे, अभी करूंगी, अभी कर रही है, इसके लिए मैं तेरे से झगड़ा कर रहा हूँ इस बात पे, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है, क्या देखी आपने मेरा, बाहर जैसे बोलो कि बाहर कुछ है तेरा तो बता, क्या देखा आपने मेरा, जब भी तो मेरे से बातचीत कम हो रही तेरी, तो आप तो पहले बात कर रहे हो ना मुझसे, इस वजह से ना सब कुछ मेरे से तेरा अच्छा चलता था, और अब ना बात का दिन आ गया, सो सो के उठती है और जल्दी सो जाएगी अपना, नहीं लेट सोएगी अपना, मैं सो जाऊंगा, ऐसे भी नहीं कि सो रहा है इंसान, कुछ बोलो बात करो, मैं अपना सो जाऊंगा तो अपना फोन में घुसी रहेगी रात रात, तो फोन चलाती रहती, फोन चलाऊंगी नहीं तो आप अपना वीडियो एडिटिंग में लगे रहते तो मैं तो फोन चलाऊंगी ना, कभी कभी वीडियो एडिटिंग निकलता, कभी कभी मैं सो बोलता जल्दी सो जा तो सोती नहीं, सोती बोलती आप सो जाओ, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं सो जाऊंगा पता नहीं फोन में क्या कर देगी, तीन तीन चार चार बजे फोन चलाएगी, फिर सुबह आंख नहीं खुलती, फिर सुबह बोलती आंख नहीं खुल रही, फोकट में दिमाग मत खराब करो, समझा ना, फालतू की बकवास मत करो, क्या देखा आपने मेरा, जैसे बोल रहे हो ये सब, आपके तो देखा नहीं, क्या देखा नहीं, ये दिखता तो है ना इंसान इतना फोन चला रहा है, ऐसे तो खुद भी पूरे दिन और रात फोन चलाते रहते तो मैं भी बोलने लग जाऊं, मैं तो काम करता हूं, मैं तो एडिटिंग का काम करता हूं, या फिर वीडियो देखता कुछ भी अपना, बकवास मत करो, समझे ना, फालतू की दिमाग खराब मत करो मेरा, नहीं जम रहा मेरे को भाई, मेरे को क्या नहीं जम रहा आपको, नहीं उल्टा खुद को कुछ पसंद आ गया क्या किधर बाहर, नहीं भाई को जम रहा नहीं भाई, देखो कोकड़ के रोज रोज लड़ाई झगड़े, जब भी तो थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़े कर रहे हो, कई काम के पहले नहीं होते थे, पहले तो आप कुछ नहीं बोलते थे, अभी इतनी सी बात के लिए क्यों आप इतनी झगड़े बढ़ा रहे हो, रोज के लड़ाई झगड़े मेरे को पसंद नहीं है ना, मेरे ऊपर सब बात डाल रहे हो, तू ऐसे करती है वैसे करती है, ये खुद के ऊपर भी देखा करो ना, जब इंसान को उसके पसंद का खाना नहीं मिल रहा, घर पे पानी नहीं मिल रहा, अरे खाना आपको पसंद का क्या नहीं मिल रहा, रोज आधी रात को अच्छे से इंसान की अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है ना, कोई उसको बात कर रहा ना उससे, कोई उसको इज्जत कर रहा ना, कुछ खाना दे रहा ना पीना कर रहा ना, कुछ प्यार से बात हो रही है घर में, एकदम ऐसे हो रहा है कोई अनजाने को जानता ही नहीं है, इसके लिए भाई मेरे को जमाना नहीं, दिमाग मत खराब करो, समझे ना, क्या जानता नहीं है, इतनी सी बात को इतना बढ़ाओ मत, नहीं ले पकड़, इसको पकड़, पढ़ ले अच्छे से, क्या उसको साइन कर, मेरी साइन मैंने कर दी है, तेरे साइन करके दे दल, क्या इसको क्या प्रॉपर्टी पेपर, प्रॉपर्टी में तो निकालने का, पढ़ ले अच्छे से, क्या है देख ले, क्या है ये, पढ़ने नहीं आता क्या, पढ़ाई नहीं करी क्या, स्कूल नहीं करी क्या,
डाइवर्स पेपर और क्या है? डाइवर्स पेपर है। अब कुछ शर्म नहीं आ रही इतनी सी बात पे लेके आ गए हो पेपर आप? अरे इतनी सी बात नहीं है, इतनी सी बात नहीं है। पर ये आपने इधर साइन करने से पहले आपके ऐसे हाथ वाथ नहीं पता है? हमारा 5 साल का शादी से पहले हमारा 4 साल का हम लोग के रिलेशन को 8-9 साल हो गया। आपको कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमारा एक छोटा बच्चा है। बच्चे को मैं देख लूंगा, बच्चे को मैं देख लूंगा। तो तेरा देख, इस पे साइन कर। कुछ आपके मन में तो बता दो। क्या मेरे मन में कुछ नहीं? मैं तो सीधा जब अपना तू ना खाना मेरे को देती ना पानी देती ना बात करती रोज के लड़ाई झगड़े। एक तो जब से शादी हुई हमारी 2020 में शादी हुई थी, शादी को हमारे 4 साल हो गई। 4 साल से तेरे झगड़े चालू है। 2024 चालू है अभी। पांचवी 4-5 साल से लड़ाई झगड़े रोज रोज के लड़ाई झगड़े। शादी के 1 महीना ठीक थी, 1 महीना से किसके घर में होते हैं छोटी छोटी नोक झोंक तो हर किसके घर में होते हैं, लेकिन किसकी इसकी ऊपर बैठ के बात कर मारी है। चढ़के से खड़े हुए क्या चढ़के से ऊपर मारे हुई है, बैठ के बात करे सामने। मैं कैसे बैठा हूँ? छाती पे मत खड़े रहे से बैठ के उधर बात कर। दिमाग मत खराब करो ज्यादा, समझे ना। जब से शादी हुई है रोज के झगड़े लफड़े। जब शादी के 1-2 महीना ठीक थे उसके बाद से कुछ भी बात से। एक तो साला शादी कर गया, साला शादी से पहले इतना अच्छा था मैं, किधर भी घूमू फिरू किधर भी आओ जाओ कुछ टेंशन नहीं था। हर कोई अच्छा रहता है समझे ना। शादी के बाद अपने घर गृहस्थी में हर कोई फंस जाता है। आपके ऊपर तो इतना प्रेशर भी नहीं है और लोगों के ऊपर कितना प्रेशर रहता है? कुछ नहीं प्रेशर है ना, मेरे ऊपर तो इतना प्रेशर है पूछ ही मत। एक तो शादी के बाद से इधर नहीं जाओ, तेरे वजह से मेरे कितने दोस्तों से मैंने बात बंद कर दी, खुद को पता है बात। इससे मत बात करो अच्छा नहीं, इससे मत करो वैसा है वैसा है। बोला आपको कभी? कितने लोग से बातचीत बंद करी है? कि किधर जाते हो तो मुझे बता के जाने का, क्योंकि मम्मी पापा भी ये लोग कोई पूछता है तो मुझे बताना होता है ना। वहाँ से घर पे से भी फोन आता है, सीधे पापा फोन करते तो पूछते हैं कि सचिन किधर है, पर लेकिन बताना होता है ना कि इधर गए हुए। बोलता नहीं, बाहर गए कुछ काम से, बात खत्म। और पूछना भी क्यों, तेरे को भी क्यों पूछना है? शादी से पहले मैं इतना घूमता फिरता था बाहर, अच्छे से सब कुछ रहता था। अब शादी से किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब तक आओगे, कितना टाइम? अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, फ्रीडम चाहिए। अरे मैं क्या कुछ जॉब करने जा रहा हूँ क्या? मेरे की 5 से 5 से सुबह 9 से 10 शाम को 4 बजे मेरी ड्यूटी में करके आ रहा हूँ। अरे इंसान घूमने फिरने जा रहा है, बाहर जा रहा है दोस्तों, मैं तो कितना भी लेट चलो ना कभी कभी। मेरे को भी घर घूमने फिरने का मेरे को भी लगता है कि मैं अपने आदमी के साथ घूमूं फिरूं। तो साथ में तू मेरे साथ, देखो अकेले में लेके नहीं आता, मेरे साथ में जाती तू घूमने। बाकी मैं दोस्तों की बात करो, दोस्तों में जाता तो चले टाइम भी होता कुछ। तो दोस्तों लोग क्या एनी टाइम जिंदगी भर पालती रखने का दोस्तों लोग को? अरे तो दोस्ती यारी में जाना पड़ता घूमना फिरना। तूने मेरी दोस्ती छुटा दी, चलो तूने मेरी दोस्ती यारी छुटा, दोस्तों से दोस्ती यारी बंद करा दी, तूने मेरा घूमना फिरना बंद करा दिया, तूने मेरा नाइट में पहले इतना दोस्तों में घूमना नाइट आउट करता था इतना। अब तो एकदम ऐसा हो गया कि पहले मतलब इंसान घूमता था फ्री माइंड तो था, अब तो बाप रे बाहर नहीं जाने का, पूरे दिन घर में रहो, घर में रहो तो फिर तेरी बड़बड़ चालू, तेरा झगड़े चालू, तेरा ये चालू वो चालू। इसके लिए भाई मैं हो गया तेरे से बहुत ज्यादा परेशान। ये पेपर ये रखे, इस पे साइन कर दे और तू तो तेरे रास्ते जा, मैं अपने रास्ते रहूंगा। तेरे को जो करना है तू कर, मेरे को जो करना रहेगा मैं करूंगा, और फिर बस बात करो। मेरी छोड़ दो, अपने बोलो कि मैं मेरे को फ्रीडम चाहिए एकदम से, कि मैं अच्छे से घूमना फिरना चाहिए, अपने ऐश मौज करना चाहिए, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। लेकर दे साइंस पे, अपने शौक मौज के पीछे अपने बच्चे की जिंदगी खराब मत करो। बच्चे को मैं देख लूंगा तो बच्चे को देख, आपको अपने शौक ही पूरे करना, तो आप बच्चे को कहाँ से देखोगे? कर लूंगा बच्चे, कर लोगे फिर बच्चे को, बच्चे के लिए बोलोगे कि मेरे को इसकी वजह से मैं अपने शौक मौज नहीं कर पाता पूरे, हो जाएगा सब। लेकर इस साइन से, मैं नहीं कर रही साइन, बोला साइन कर, साइन कर पेन का, दिमाग मत खराब करो समझे ना ज्यादा। मैं नहीं करने वाली साइन, पेन और साइन कर इसको ले, नहीं कर रही साइन समझे ना ज्यादा, इतना मत ज्यादा बोल रहे, कर रहे हो क्या साइन कर, बोल रहा हूं नहीं करनी ना साइन, बोला ना ये क्या खेल हलवा है क्या, साइन कर दो किधर पे भी, गुड़िया गुड़िया का खेल है क्या, देखो अभी भी खत्म कर दो, कर साइन जा ठीक है चल, देखते बाद में जो देखते हैं। मम्मी पापा को आंदो सब करूंगी, मम्मी पापा क्या आंदो, मम्मी पापा से पूछ के शादी करी थी क्या? जब तूने शादी करी थी तो हम दोनों की मर्जी से शादी हुई थी, मर्जी से हुई थी, लव को अरेंज किया था ना तो उनकी सबकी इजाजत से किया था ना, ऐसे तो नहीं कि पर हमारी मर्जी, हम पहले हम हमारी इजाजत जब तक उन्होंने बोला था ना, उनसे जो वो बोलेंगे वही करूंगी, कुछ नहीं कर रहे पर मालूम पड़नी चाहिए छोटी छोटी बात हमारे घर में क्या हो रहा है। अभी वो बाहर गए हुए हैं तो ज्यादा वो मत उठाओ, फोन लगाओ नहीं तो मम्मी को लगाओ फोन, साइन कर इस पे पटाकर से टाइम पास मत कर, मेरे को पहले बोल रहा हूं नहीं कर रही, बोली ना साइन नहीं पड़ जाएंगे पेपर, कितना महंगे बनवा के लाओ पता है, कोर्ट में जाके वकील के पास जाओ, उसको कितने पैसे दिए, 1,000-2,000 रुपए दिए मैंने उसको पेपर बनाने के लिए, फेंक रही उसको ऐसे फालतू के पैसे, क्या ये सब चीजों के लिए फालतू के पैसे है समझे ना, साइन कर दे पटाकर, नहीं करने वाली, मम्मी पापा को फोन लगाओ और बुलाओ उनको घर पे। क्या ये आदमी को इतनी सी बात पे, थोड़ी थोड़ी बात पे पता नहीं क्यों झगड़ा करने लग जाते हैं, समझ में नहीं आती। यही सब करना था तो शादी क्यों करी थी? अरे तो यार कौन झेलिया, कब तक झेलिया, 5 साल से झेलते झेलते कितना झेलू अब, इंसान हूँ मैं भी, रोबोट नहीं हूँ मैं, झेलने को पता नहीं मैंने इनके साथ क्या कर दिया। अभी इमोशनल अत्याचार मत कर मेरे ऊपर, ये एकदम ऐसे
रो के मत दिखा मेरे को, फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को रोने वोने से, साइन कर इस पे बस और फिर रो दो, कुछ भी कर मेरे को नहीं मतलब। मुझे तो और मन लग गया ना, आपको तो मेरा फर्क क्यों पड़ेगा। ये बोलते रहे ऑलरेडी बात, भले कुछ भी बोल पर साइन कर इस पे। अरे करना साइन, रो वो के मत दिखा मेरे को। ड्रामा मत कर, रोने में नहीं, फटाफट साइन कर इस पे और बस। बहुत हो गया ये, नहीं करना ये साइन, करना जल्दी करना इस पे साइन करना। मम्मी पापा को फोन करो, मैं जब करूंगी। अरे दिमाग को खराब कर दिया, समझे ना मेरा। पेपर मत पे कितनी बार बोलूं, मत पे मेरे सामने मत लेके आओ इनको, थोड़ी थोड़ी बात पे पता नहीं। साइन कर साइन कर, इनके बताओ साइन करने से पहले खुद को इनके हाथ नहीं कप पाए कि मैं ये चीज क्या कर रहा हूँ, हमारा छोटा बच्चा है क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ है तो मुझे प्यार से बिठा के बोल भी सकते हैं कि ये ऐसे कर रही है तू वैसे कर रही है, जरूरी है पेपर ही लाके। अरे प्यार से मैंने बहुत बार बोल दिया तेरे को, नहीं सुनती अभी तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अभी तो मैं इतने आगे तक पहुंचा हूँ। रो मत, फटाफट लेकर पेपर साइन ले, फटाफट कर। मैं नहीं करूंगी साइन। अरे रो रो के क्या, किसको दिखा रही रो के? ये ड्रामा मत कर, ये समझी ना, ये रो इमोशनल अत्याचार मत कर मेरे साथ कि रोएगी फिर मैं से बोलूंगा चल छोड़ जान दे। सीरियस हूँ मैं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रैंक वरैंक नहीं कर रहा, देख ले किधर फोन दिख जाएगा तेरे को तो, ठीक है ना। प्रैंक करता तो इतना पैसा खर्चा नहीं करता प्रैंक के पीछे, मैं 1000-2000 रुपये के पेपर नहीं बना के आता था मैं, प्रैंक करता वाली से बोल के करता था। पेपर के साथ आया मैं, पेपर के साथ पूरा वकील के कोर्ट के पेपर लेके आया साथ में। अरे इतनी सी बात पे पर आपको सूझी गई सब करने की? पर जल्दी साइन कर, बात हो जाएगी बात, मैंने बता दी सब जो भी बात थी। तो मुझे प्यार से भी कुछ बात रहती तो घर में प्यार से भी कुछ सॉल्व होता है ना, कि जरूरी पेपर उठा के लेके आ जाओ, ये कोई खेल है क्या? खेल वेल कुछ नहीं है, खेल तूने मेरा बन रखा था, तुम्हें परेशान कर रखा हूँ इतने साल से, मेरे को अभी चिंता ही नहीं है, फालतू में टेंशन आता कुछ कर भी लूंगा इसके लिए। इस पर कर दा साइन और मेरे को भी छोड़ डाल फ्री, तू भी अपना फ्री हो जा। मैं नहीं करती साइन, ऐसे ही फ्री हूँ मैं जाओ। अरे अरे कहा साइन करने वाला कहाँ जा रही है? इधर चल, इधर बैठ के बात कर, रो के मत दिखा समझी ना। अरे रो तो इतनी सी बात पे आपको क्या सोची थी पेपर वेपर लेके आने की? ये देखो भाई लग गई ना रोने, इतनी इतनी बात पर रोने लग जाती है, ये देखो इसकी आंखों में आंसू सही में। अरे रो, हंसने की बात है कि ये तो रो रही क्यों है? रहता है। अरे मैं प्रैंक कर रहा था तेरे साथ में पागल, के भी प्रैंक होते हैं, कोई औरत कुछ नहीं रहेगी समझे ना, ये पेपर वेपर आएंगे तो हंसेगी नहीं कि हाँ मेरे को डिवोर्स मिल रहा है। जान दे चलिए रे पेपर, जबकि इतनी सी बात। चल चुप कर, चल रो मत, दिमाग खराब। देखो मैं इसके लिए करता नहीं, उसके हाथी वाला प्रैंक मैं सोचा था नहीं करूं नहीं करूं, पर आप लोग के लिए मेरे को करना पड़ा और देखो रोने लग गई प्रैंक में। दिमाग मत खराब करो, देखो रो रही कितना। ये ऐसे पता नहीं वीडियो क्यों कैसे बना लेते हैं यार, कोई सपने में भी नहीं ये सब चीज सोच सकता है। क्या ये डिवोर्स विवोर्स की आप तो डायरेक्ट पेपर उठा के लेके आ देते हो। अरे तुम्हें को करना था सही में, और ये कोई प्रैंक वरैंक नहीं है, मैं झूठ को से फोन उठा के लाया सही में करने वाला, समझे तेरा प्रैंक। दिमाग मत खराब करो समझे ना। तो फिर चल चुप कर, चल अब करना मत ऐसे समझे ना। हाँ। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अच्छा अच्छा गाइस चलो अभी ये प्रैंक दिमाग खराब करते हो, अब नहीं करूंगा वाला प्रैंक इस में कभी, और आप नहीं करूंगा उसमें भी ऐसे ही करा था आपने, उन लोग के वजह से करना पड़ा था बेचारे, बहुत से बोल रहे थे करो करो। तो भाई देख लिया आप लोगों ने कितना प्यार करती है मेरे से, कैसे रोने लग गए इसके बाद मैं डायवर्स प्रैंक करा। तो भाई चलो अब आगे से इसके नहीं करेंगे सब प्रैंक, बेकार बेकार वाले अच्छे से प्रैंक करेंगे, परेशान करने वाले इसको ये, पर ऐसे गंदे इतना खतरनाक परेशान नहीं करेंगे। लगता है ना कैसे थोड़ा सा वो होता है, उन्होंने इतना कैसे ऐसे बढ़ा दिया, तो इनके ही मन में कुछ रहेगी ना। चल ले फटाफट चला इस पे साइन कर दे, दिमाग मत खराब करो मेरा, अरे समझे ना। अरे सही में मेरे पेपर 2000 रुपए के बना के लाया था मैं, वो इसको खाने में करके समझे ना, पता नहीं बुलाने को इनको क्या मिलता है।
गाइस देखो मैं 2000 रुपए खर्चा करके कोर्ट में आके वकील से पेपर बना के लाते डाइवोर्स के पूरे फाड़ के फेंक दिया। वकील के तो चांटे मारूंगी खींच के, वकील को चांटे मारूंगी बोल रही वो लोग काम है बेचारा तो करेंगे ना, तो पूछना चाहिए ना पहले क्या है क्यों है क्या है क्यों। मैंने उसको पेपर बना के दे दिया। तो गाइस चलो ये प्रैंक बहुत ही हो चुका है खतरनाक। और हाँ गाइस ये खाली वीडियो का, और आप सीरियस में मतलब कभी रियल लाइफ में ये सब कदम मत उठाना है, बहुत बेकार चीज़ है। डाइवोर्स अच्छे से अपनी लाइफ में खुश रहो, अपने पार्टनर के साथ हैप्पी रहो, उसको भी खुश रहो, खुद भी खुश रहो, और ये सब चीज़ कभी दिमाग में मत लाना और ना कभी सोचना। ये प्रैंक के लिए गाइस मैं 3-4 दिन से झगड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा गुस्सा है इसको ज़्यादा दिलाओ फिर कुछ होए। तो गाइस चलो ये वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ, कैसा लगा आप लोगों को मेरा प्रैंक कमेंट करके जरूर बताना। और अभी इसको थोड़ा शांत करा डालता हूँ, मिलते हैं आप लोग अगले ब्लॉग अगले प्रैंक अगले चैलेंज के, जब तक के लिए बाय। और गाइस हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बता देना अगला प्रैंक किस चीज़ के ऊपर करूँ मैं। मिलता है आपको अगले वीडियो में, बाय बाय। तो कर दे बाय बाय।